मैं पिछले 1 साल तो इत्थे काम कर रही हूँ। मैनू बहुत हरास किया जा रहा है, बहुत टॉर्चर किया जा रहा है। मैनू मेरी सैलरी लई इतना तंग किया जा रहा है, मैनू हरास किया जा रहा है। मैं इत्थे काम नहीं करना चाहती, मेरे को जबरदस्ती काम करवा रहे हैं। मैनू कह रहे हैं कि तुसी इत्थे तेनू काम करना पैना, तू कॉन्ट्रैक्ट साइन किया होया है, तू छड्ड नहीं सकदी, क्यों छड्डा। ज्योति शर्मा वाइफ 100 सालों की इंप्लॉई हैगी एज पर दिस कॉन्ट्रैक्ट। ए कॉन्ट्रैक्ट 2 साल का हैगा, ज्योति दे सिग्नेचर ने लीगल कॉन्ट्रैक्ट है, लॉयर ने वैच किया होया है। ज्योति नूं साल होया साडे कोल काम करदे और उस 1 साल ज्योति की काफ़ी प्रॉब्लम्स रहियां। तुसी इत्थे लोकां नूं अंदर शराबा पिला रहे हो, गंदे काम करा रहे हो, क्यों छड्डा। मैं क्यों करा इत्थे मैं काम, कोई गलत काम नहीं होता, कोई कुछ नहीं। लास्ट मोमेंट पे जब तुम्हारी सैलरी नहीं मिल रही, तुसी अनाप शनाप कुछ भी एलिगेशन लगा दो, कुछ भी बोल दो। साल हो गया काम करते हुए, ए प्रॉब्लम अगर आई तो किमें आई, मैं दसो। साल बाद उहदी आवाज़ उठी है कि मैं गलत काम हो रहा है, साल तक क्यों झेलती है, मैं कर दसो। और 8 वारी जान तो बाद मैं तुम्हें ग्रुप्स, अगर साढ़े कोल कुछ होएगा सिस्टम ग्रुप्स ही दिखा देते हैं, छड़ के गई फिर छड़ के आई। अमृतसर के रंजीत एवेन्यू के ज्योति शर्मा नामक लड़की ने पुलिस को शिकायत दी कि जिस सैलून के काम करती है उस सैलून के शराब परोसी जाती है तो सैलून के मालक अर्शदीप वालों उस दे नाल बदसलूकी की जाती है तो काम करन दियां कुछ शर्तां रखिया जांदियां ने। पुलिस ने शिकायत लै लीती है तो दूजे पासे सैलून के मालक अर्शदीप ने अपने ते लगाए गए सारे दोषां नूं बेबुनियाद दस्सिया ते शिकायत दर्ज करवाई है। ज्योति उसनूं परेशान कर रही है, इसलिए वो उसनूं उत्थों दी कढ रहा है क्योंकि ज्योति उस दे नाल बदतमीजी करती सी। बीते दिन ही उसका पति शराब पी के सैलून आया सी ते उस दी लड़ाई हुई सी। उत्थे ही पीड़ित औरत ज्योति शर्मा ने कहा कि वह पिछले 1 साल तो इस सैलून के काम कर रही है। उसने कहा कि वह इस सैलून के काम करना नहीं चाहती क्योंकि उसके नाल जबरदस्ती की जाती है, उसके कोलों जबरदस्ती गलत काम जिहड़े ने करवाए जाते हैं, जिस दे बाद कि उस सैलून के बाहर हंगामा हो जाता है। दोवें धिरां दे वल्लों की जानकारी दी जाती है, एक दूजे उत्ते की आरोप लगाए जाते हैं, वो तुसीं आप सुन लवो। मेरा नाम ज्योति शर्मा है, मैं पिछले 1 साल तो इत्थे काम कर रही हूँ, ठीक है। मैनू बहुत हरास किया जा रहा है, बहुत टॉर्चर किया जा रहा है। इत्थे अर्शदीप कौर ओनर ने जिहड़े 30% के मालक ने, 70% के मालिक जिहड़े बैठे ने वो बाहर बैठे हुए ने। मैनू मेरी सैलरी लई इतना तंग किया जा रहा है, मैनू हरास किया जा रहा है। मैं इत्थे काम नहीं करना चाहती, मेरे को जबरदस्ती काम करवा रहे ने। वाइब्रोसोन सैलून की गल कर रही, रंजीत एवेन्यू 117 आ एड्रैस इत्थों दा। मैनू कह रहे हैं कि तुसी इत्थे तेनू काम करना पैना, तू कॉन्ट्रैक्ट साइन किया होया है, तू छड्ड नहीं सकदी, क्यों छड्डा। तुसी इत्थे लोकां नूं अंदर शराबा पिला रहे हो, गंदे काम करा रहे हो, क्यों छड्डा। मैं क्यों करा इत्थे मैं काम, मैनू मेरे पैसे चाहिए है बस। इत्थे गलत पाया होया इन्हां ने अंदर, मैनू सैलरी नहीं दे रहे है 2 महीने तो। तुसी की मांग करदे हो, मैनू मेरी पूरी सैलरी चाहिए, मैं 1 रुपया नहीं रखना। ज्योति शर्मा वाइब्रास में जॉब करते हैं, मैं उन्हां दा हस्बैंड है। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਓਨਰ ਨੇ ਉਹ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਹਰਾਸਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਵੱਲੀ ਫੋਰਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਸਟਮਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਗਲਤ ਕੰਮ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਫਰਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਆਪਾਂ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਸਾਡੀ ਸੈਲਰੀ ਰੋਕੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਰੋਕੀ ਹੈ। ਮੈਸੇਜ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕਰਦੀ ਵੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ 1-2 ਮਿੰਟ ਮਿਲ ਲਓ ਆ ਕੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਆਣਾ, ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਆ ਕੇ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਆਵਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹਸਬੈਂਡ ਹੈ ਸਵੇਰੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ 10 ਤਰੀਕ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੈਲਰੀ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਲਿਓ ਆ ਕੇ। ਅਸੀਂ 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸੈਲਰੀ ਲੈਣ ਆਏ ਆ, ਉੱਤੋਂ ਹੈ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਦੇ ਹੱਥੀ ਪਿਆ ਇਹਦਾ ਘਰ ਵਾਲਾ ਅਮਿਤੋਜ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਦੇ ਹੱਥੀ ਬਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਦਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਅਕਲ ਨਹੀਂ ਗਈ ਜਨਾਨੀ ਨੂੰ। ਇਹਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਆਏ ਆ, ਫੈਮਿਲੀ ਆਈ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫਾਲਤੂ ਇਹਨੇ ਬੋਲਿਆ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਜੋਤੀ ਸ਼ਰਮਾ ਵਾਈਬੂ 100 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਇੰਪਲੋਈ ਹੈਗੀ ਹੈ ਐਸ ਪਰ ਦਿਸ ਕੌਂਟਰੈਕਟ। ਇਹ ਕੌਂਟਰੈਕਟ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਜੋਤੀ ਦੇ ਇਹਦੇ ਸਿਗਨੇਚਰ ਨੇ, ਲੀਗਲ ਕੌਂਟਰੈਕਟ ਹੈ, ਲਾਇਰ ਨੇ ਵੈਚ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੋਤੀ ਨੂੰ ਸਾਲ ਹੋਇਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਔਰ ਉਸ 1 ਸਾਲ ਜੋਤੀ ਦੀ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੰਮ ਤੋਂ ਰਿਲੇਟਡ ਉਹਨੂੰ ਕੁਛ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹ ਸੁਣਨ ਦੇ ਅਵਿਸ਼ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਈਗੋ ਹੈ, ਉਹ ਚਲੋ ਉਹਦਾ ਪਰਸਨਲ ਕੈਰੈਕਟਰ ਹੈ, ਬਟ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਧਰੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜੋਬ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਪੂਰਾ ਫੁਲਫਿਲ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਮੈਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪੂਰੇ ਸਟਾਫ ਸਾਹਮਣੇ। ਜੇ ਮੇਰਾ ਮੈਨੇਜਰ ਹੀ ਇੰਜ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਪੂਰਾ ਸਟਾਫ ਕਿਵੇਂ ਕਰੇਗਾ। क्लाइंट्स दे नाल डिसरिस्पेक्ट गूगल ते रिव्यूज देख सकदे हो तुसीं ज्योति दे और ये मेरी ओपीनियन नहीं है। उन्हें जिथे जिथे काम किया तुसीं सारे सालों जाओ हेडमास्टर THM जिथे जिथे उन्हें काम किया है मिसबिहेवियर स्टाफ नू गालां कढना ओनर्स की डिसरिस्पेक्ट करना और हर चीज़ ओनर्स के अगेंस्ट रहना और किसी भी चीज़ अकोमोडेटिंग ना होना। जे कोई एम्प्लॉई थोड़ी कोई गल ही नहीं सुन रहा तो असी उस एम्प्लॉई को क्यों रखिए। बट स्टिल पिछले एक साल ज्योति एटलीस्ट 8 to 10 बारी सलून छड़ के गई है बट मैं उन्होंने अपनी सिस्टर के तरह ट्रीट किया है। मेरा पूरा स्टाफ मेरे पूरे क्लाइंट्स को पता है मेरा नेचर कैसा है, मैं बहुत प्यार नाल रखनी हाँ सारे मगर उन्होंने असी बार बार सारी डिसरिस्पेक्ट करते गई है। बट सू लगता है कि साढ़े नाल एक एम्प्लॉई जुड़िया है तो असी वो पूरी केयर करिए वो साढ़े नाल जुड़ा रहे तो असी उन्होंने बार बार चांसिस दिते हैं शायद इस करके वो बहुत हावी हो गया कई बार तो उन्होंने लग रहा है कि मैं बहुत ज़्यादा डिसरिस्पेक्ट कर सकती हूँ। आज सवेरे कल रात भी सू कॉल कर रही है 10th of every month वी क्लियर स्टाफ सैलरीज तो उन्होंने असी कदे भी कन्विंस नहीं किया कमिट नहीं किया कि असी वो सैलरी करा क्योंकि इतनी बारी असी टर्मीनेट किया है बिकॉज ऑफ बिहेवियर एंड प्रोफेशनल इशूज क्लीयरली और उन्होंने गल मेन इशू है दैट उन्होंने बोलन की बिल्कुल तमीज नहीं है। मेरा स्टाफ मेरा क्लाइंट कोई भी गवाही दे सकता है गूगल रिव्यूज से तुम जाके देख सकते हो तो मैं सारे यही कहांगी कि एक वन साइड स्टोरी गुंडागर्दी ये सू बिलीव नहीं करना चाहिए। असी सारे पढ़े लिखे हाँ मेरे को कितना सारा स्टाफ छड़ के गया जिन्होंने कॉन्ट्रैक्ट पीरियड असी उन्होंने टाइम एडजस्ट किया है कॉन्ट्रैक्ट भी असी उन्होंने पूरी सैलरी पूरा इंसेंटिव दिता है और हर तरीके हर इंप्लॉय की सपोर्ट की है। हालात तक के मेरा जो स्टाफ पुराना मैनेजर छड़ के गया सी उहदा एक्सीडेंट होया वो मेरा इंप्लॉई नहीं सी मैंने 1 लाख रुपीज़ अपनी पॉकेट तो पाई हाँ। मैं अपनी तारीफ नहीं कर रही हाँ बट एक जनरल साडा व्यवहार है असी बिलीव करने हैं कि इंसान नू एक अच्छे तरीके नाल और प्यार नाल रखना चाहिए बट इस कुड़ी नू मैं नहीं दांगी सैलरी बिकॉज ये नंबर 1 कॉन्ट्रैक्ट है जो फुलफिल उन्हें नहीं किया। दूसरा उन्हें बहुत डिसरिस्पेक्ट की सिर्फ साड़ी नहीं साढ़े क्लाइंट्स की और उन्होंने असी कदे कमिट नहीं किया असी सैलरी देंगे क्योंकि जो एक इंप्लॉय नू तुसीं सारे वर्किंग हो जो तुसीं इंप्लॉय नू एक नौकरी तो कढ़ रहे हो तुहाडी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल नहीं कर रहा तो कंपनी तुहानू कुछ ओन नहीं करती है। साल हो गया उन्होंने काम करते हुए प्रॉब्लम अगर आई तो किमें आई उन्होंने दसो अगर ਉਹ ਹੁਣ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਠੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਗਲਤ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਜ਼ਮੀਰ ਉੱਠ ਗਿਆ ਸਾਲ ਤੱਕ ਉਹ ਕਿਉਂ ਝੇਲਦੀ ਰਹੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੋ। ਹੋਰ 8 ਵਾਰੀ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਰੁੱਪਸ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਹੋਏਗਾ ਸਿਸਟਮ ਗਰੁੱਪਸ ਹੀ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਗਈ ਫਿਰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਈ ਫਿਰ ਛੱਡ ਕੇ ਗਈ ਫਿਰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਈ ਕਿਉਂ ਜਾਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਕੁਛ ਤਾਂ ਕੁਛ ਮਿਲਦਾ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਅਕੋਮੋਡੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਲਾਸਟ ਮੂਮੈਂਟ ਤੇ ਜਦ ਤੁਹਾਡੀ ਸੈਲਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਤੁਸੀਂ ਅਨਾਬ ਸ਼ਨਾਬ ਕੁਛ ਵੀ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨਸ ਲਗਾ ਦਿਓ ਕੁਛ ਵੀ ਬੋਲ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਸੱਚ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਸਾਰੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੂਫ ਕੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹਾਂ ਜੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅਸੀਂ ਕੰਟਰੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਕਿੱਥੇ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਕੀ ਪ੍ਰੂਫ ਹੈ ਸਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਾਡੀ ਵੀ ਫੋਟੋ ਲੱਗੀ ਹੈ ਕੈਮਰਾ ਮਾਈਕ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲੱਗਿਆ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਇਹ ਸਰ ਸਾਡੀ ਇਨੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਵੇਰੇ ਆ ਕੇ ਮੇਰਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇਖੋ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਸਾਲੋਂ ਦੇ ਪੇਜ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਲਾਈਵ ਹੋਈ ਹਾਂ ਉਹਦੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਪਾਈਆਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਜੋਤੀ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰੋ। ਸਰ ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਨੇ क्योंकि उत्थे मैं प्रेगनेंट आ 5 मंथ मैं उत्थे बैठ नहीं सकती तो सर मेरी हेल्प करने वास्ते कि लेडीज़ का मामला असीं इत्थे निपटा लैंदे आ सर सानू दोनों नू सपोर्ट करने वास्ते इत्थे आए ने और सर नू कह रही है कि सर इत्थे आके सर्विसेज लैंदे ने इस करके वो सानू और ए सब तो बड़ा झूठ है मैं कहना एदे नाल ही ओदा पर्दा साफ हो जांदा है कि 20 सर आंदे अज तक नहीं मैं मिलिया भी नहीं आ सर नू और अगर वो कहंदी पई है ते वो प्रूफ कर दे वो कोई भी चीज़ कह रही है प्रूफ हुण मैं तुहानू वीडियो एक होर इस तो बाद डालांगा मीडिया जिहदे कोई ड्रिंक करके बाहर गड्डी च ड्रिंक कर रहा है अंदर वो कहंदा मेरे ड्रिंक मंगा दो इधर तक गलती नाल कोक आई है और कोक इस मैनू लग्या वो हैगा वो वापस गई है बॉटल वो ग्लास वो वापस गया वो उधर ही बैठी हुई है ज्योति और मैं वो उधर बैठ के वो ग्लास को वापस भेजा और मैं कस्टमर नू मिन्नता करके कि भाई क्योंकि वो ड्रिंक करके सानू नहीं पता अंदर ड्रिंक करके कोई बंदा बैठ गया या की हैगा असीं उहनू मना किया कि नहीं उसदा वो चला गया और उस तो बाद उन्होंने मैंने फोन करके अपोलोजाइज किया है कि मेरे को यह चीज़ हुई है और मैं यह चीज़ कभी भी नहीं करांगा। और इस मामले की कार्रवाई करते हुए SI चंद्र मोहन वालों की जानकारी दी जाती है वो भी तुसी आप सुनो। रणजीत एवन्यू थाने के अर्शदीप कौर वालों एक पहला कंप्लेंट आई है वो उन्हें दसिया भी ज्योति नाम की लड़की जी इत्थे काम करती सी ठीक है जिहदा पति अज 10/4/23 नूं साडे सलून ते आ के लड़ाई झगड़ा करन लग पिया है ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ जो ਉਹਦੀ ਦਰਖਾਸਤ ਆਈ ਆ। ठीक है, ਉਹਦੀ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ। इस तो बाद ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੂਜੀ ਦਰਖਾਸਤ ਹੈ ज्योति शर्मा ਵੱਲੋਂ आई है जी। ਉਹਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾਏ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ਰਾਬ ਵਗੈਰਾ ਪਿਆਂਦੇ ਨੇ ਅੰਦਰ। ठीक है, मेरी सैलरी इन्हों ने नहीं दी, 1 महीने की सैलरी इन्होंने दसिया भी सही नहीं दी मैं, और अं चलो वैरीफाई करते हैं। उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट मुताबिक वो कहते भी 3 महीने तक आप सैलरी जी इनू आप खुद जमा करानी पेगी, अगर आप बिना नोटिस इत्थों रिजाइन करके जाती है काम छड्डदी आ। बाकी आप CCTV फोटेज बैठे देख के जो कुछ भी होएगा ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਾਂ ਜੋ ਬੰਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦ ਪਬਲਿਕ ਟਾਈਮਸ।